हेलो दादा। अरे आपका मूड आज अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं भाई, ठीक है, बोलो। क्या 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 लगा दादा मुझे? मतलब मुझे उम्मीद थी एटीके मोहन बगान से कि मतलब प्लेऑफ्स में पहले खेले हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, हैदराबाद पहली बार प्लेऑफ्स में पहुंचा था तो उम्मीद है थी कि यहाँ पर शायद वो एक्सपीरियंस दिखाएंगे और मैच जीतेंगे, मगर बहुत ही बड़ी हार है ये। 3-1 के स्कोर लाइन से हारना बहुत बड़ी हार है। आपको क्या लगता है? देखो, ऑल ओवर द सीजन हैदराबाद ने एक जो कंसिस्टेंसी दिखाया है अपने गेम पे, तो मुझे मैच के पहले उम्मीद हैदराबाद से ही ज्यादा थी, क्योंकि वो लोग एज ए स्क्वाड, वो लोग बहुत, वो लोग का बॉन्डिंग स्ट्रांग दिख रहा है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, और वो लोग का स्क्वाड में एक बैलेंस है यंग और एक्सपीरियंस का। इसके हिसाब से तुम अगर देखोगे तो एटीके मोहन बगान में उतना यंग प्लेयर लोग नहीं है, ठीक है। तो जब एक गोल से आज लीड कर रहा था, तभी भी मुझे पता था कि शायद सेकेंड हाफ में गेम चेंज होगा और हैदराबाद के लिए मैच का रुख मोड़ लेगा जरूर। क्योंकि क्या आपको लगता है वो जो तिरी वाला वो जो सीन हुआ कि तिरी को वहां पर इंजरी हुई और मोहम्मद यासिर ने वो जो गोल मारा, गोल बहुत अच्छा था, वहां से चीजें कंप्लीटली मतलब हैदराबाद के फेवर में चली गई क्योंकि गोल भी आ गया और आपका एक मेन सेंटर बैक जो हर गेम में स्टार्ट करता है वो चला गया यहाँ से? एक्चुअली ऋषभ, हैदराबाद, मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस है कि हैदराबाद को मोमेंटम जस्ट हाफ टाइम के बिफोर ही मिल गया था, जब वो लोग को फर्स्ट गोल वो मिल गया ड्रिंक्स था। ड्रिंक्स ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जैसे ही मतलब उन्होंने चेंज कर हाँ, लिया था कंप्लीटली। जब बट भी मुझे लगता गोल, है कि मतलब अगर तिरी रहता ना दादा, कि मतलब तिरी अगर रहता तो शायद वो 2-1 ही रहता, वो फिर वो तीसरा गोल नहीं आता एंड तब कमबैक के चांसेस भी रहते, बट फिर वो बट इंजरी हो ये गई। ऋषभ, ये फुटबॉल है, इधर तो इंजरीज तो हो ही सकता है। तो उसके हिसाब वो से तो आप है अगर देखोगे तो हम लोग को पूरा क्रेडिट हैदराबाद को देना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन वो लोग आउटस्टैंडिंग फुटबॉल हम लोग के पास दिखाए हैं, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि वेल डिजर्व टीम है 3-1 जीतने के लिए। और आपको क्या लगता है ओगबेचे की आज आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? क्योंकि ओगबेचे लास्ट के 2-3 मैचेस से नहीं खेल पा रहे थे और कोविड हो गया था मेरे ख्याल से उनको, तो ओगबेचे नहीं थे। आज ओगबेचे आए और उन्होंने पहला इक्वलाइज करा और बाद में भी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी। जब मतलब बॉल रखनी थी हैदराबाद को, 3-1 का स्कोर लाइन चल रहा था, तब ओगबेचे वहां पर टैकल जीत रहे थे, इंटरसेप्शन जीत रहे थे, तो ओगबेचे की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है देखो ओगबेचे? ऋषभ, ऐसा रूमर्स चल रहा है कि ओबेचे नेक्स्ट सीजन मोहन बगान जा रहे हैं, ठीक है, मोहन बगान जा रहे हैं, तो यही आपको दर्शाता है एक प्रोफेशनल प्लेयर का कैसा माइंडसेट रहता है, क्योंकि बहुत ही बड़े टॉप लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। अभी इंडियन सुपर लीग में भी जितना सीजन वो खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन स्ट्राइकर्स में से फॉर रह श्योर चुके हैं। हाँ, और गोल के अगर तुम टैली देखोगे तो वो भी सबसे ऊपर वही है, सबसे मतलब तो नॉर्थ ईस्ट का इसके टॉप, हिसाब से, हाँ, हैदराबाद का टॉप। इसके हिसाब से आपको, अगर आपका टीम में ऐसा एक स्ट्राइकर हो तो ऑपोनेंट टीम हमेशा एक प्रेशर में रहता है। अगर वो गोल नहीं भी मार पाते हैं, फिर भी एक दो स्टॉपर उनके साथ हमेशा एंगेज रहते हैं, तब दूसरा प्लेयर लोग को बहुत स्पेस मिलता है आगे खेलने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया एक जो प्लेयर है, और दर्शाते हैं कि उनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि वो कितना ऊंचे लेवल की प्लेयर है। बट क्या आपको लगता है ओगबेचे को साइन करना चाहिए एटीके मोहन बगान को, जैसे आपने अभी वो क्वेश्चन उठाया, क्योंकि अगले साल ओगबेचे ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो जाएंगे, तो उस एज पर मतलब साइन करना एक प्लेयर को, क्या केवल एक सीजन के लिए साइन कर रही है एटीके मोहन बगान, फ्यूचर का नहीं सोच रही है कि हम कुछ ऐसे स्ट्राइकर को लेकर आए जो यंग हो एंड क्वालिटी हो? क्योंकि ओगबेचे भी आपके फॉरिनर है, तो आप फॉरिन आप यंग भी तो ला सकते हो जो आपका फ्यूचर का पार्ट बन जाए और डिफरेंस क्रिएट कर सके आपके साथ फ्यूचर में, क्योंकि ओगबेचे हाँ मतलब जरूर, एक सीजन खेल पाएगा अच्छा। ये बात तो सही है, लेकिन तुमको तो पता है कि आईएसएल जो फ्रेंचाइजीज है वो सीजन बाय सीजन ही सोच के चलते हैं आगे, उनका लॉन्ग टर्म प्लान। मैं अभी हैदराबाद को देख के काफी खुश हो रहा हूँ, क्योंकि उनका मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान। अदरवाइज तुम देखो, लास्ट ईयर वो लोग जैसा परफॉर्म किए थे, और उसके पहले सीजन जो जो रहा उनका इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी मैनुअल डियाज जो कोच है उनको इतना उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया,
और उनके हिसाब से टीम बनाया तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट अभी मिल रहा है। तो ऐसी बात है, अगर ओगबेचे को मोहन बगान लेना चाह रहे तो मुझे लगता है कि एक सीजन के लिए साइन कराना बहुत ही बेटर होगा। और देखो हाँ, हो सकता है उनका एज काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड वो सब पीछे छोड़ रहा है। उनका क्वालिटी जो वो ग्राउंड में दिखा रहे हैं, तो उनका एज को लेकर सवाल करना बेवकूफी होगा मेरे हिसाब से। आपको संदेश झिंगन की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मतलब जब डिफेंड कर रहे थे संदेश झिंगन, टैकल इंटरसेप्शन वो सही था, मगर वो जो सेकंड गोल आया वहां पर संदेश ने वो पास गलत किया था, वहां ओगबेचे ने वो बॉल जीती और फिर वहां से वो गोल हुआ एंड फिर वो इंजरी हुई। तो देखो क्या वो संदेश काफी अच्छा प्लेयर है, ये लेके कोई तो संदेह नहीं है हम किसी के मन में, लेकिन अगर तुम ओवरऑल आज मोहन बगान का डिफेंस को लेके बात करोगे तो कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत ही मुझे लगा कि बहुत ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था। तुम जो जो गोल देखोगे उसमें हम लोग को, डिफेंडर लोग को हर टाइम ये बोला जाता है कि बॉल वॉचिंग नहीं, हम लोग को मैन वॉचिंग करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट गोल जो पड़ा, जो क्रॉस आया, सभी मोहन बगान का डिफेंस का सारा प्लेयर बॉल वॉचिंग था और बॉल का मूवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे। उनके बीच में ओगबेचे कब निकल गए उन लोगों को पता भी नहीं चला। और अगर आप सेकेंड गोल भी देखोगे तो क्लियर कम्युनिकेशन का गलती था, दोनों स्टॉपर एक साथ एक कलिजन में कलिजन हो गया उधर और बॉल फ्रीली यासिर को मिल गया। और थर्ड गोल भी अगर तुम देखोगे कि बहुत ही मिसमैच है, अगर आप कॉर्नर पे एक फॉरेनर उतना अच्छा फिजिक को आप प्रीतम को देते हो, हाँ प्रीतम काफी अच्छा है मैन मार्किंग के लिए, बट स्टिल मुझे लगता है अगर कोई फॉरेनर को मैन मार्क करेगा वो काफी अच्छा रहता है। हम लोग बॉल आउट ऑफ डेंजर नहीं कर पाते है, लेकिन उसके बाद हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमको बॉल वॉचिंग नहीं, हमको मैन वॉच करना है कि कहां मैन है, क्योंकि बॉल गोल कौन करेगा, एक मैन ही करेगा। तो मैन को अगर हम मैन टू मैन ले लेते हैं तो वो बॉल ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन इस हालत पे सभी मोहन बगान का डिफेंडर बॉल वॉचिंग था और आउट ऑफ पोजीशन हो गया था, इसके लिए ओगबेचे ने पूरा फायदा उठाया उस चीज। आपको हैदराबाद की डिफेंडिंग आज कैसी लगी? पहले तो मतलब स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में तो लग रहा था आज एटीके मोहन बगान ये गेम ले जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था लिस्टन वहां पर निमदौरजी को बीट करते हुए, और फिर रॉय कृष्णा ने भी वहां आकाश मिश्रा को बीट करके वो गोल मारा था। बट फिर उसके बाद थोड़ा उनकी डिफेंसिव लाइन थोड़ी सॉलिड लगी। पहले मैं कहूंगा स्पेस दे रहे थे लिस्टन को, कि बहुत चढ़कर खेल रहे थे, लिस्टन को भी स्पेस मिल रहा था। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंज किया इन्होंने 30 मिनट्स के बाद जो मुझे लगता अच्छा है यहाँ पर? पहले हैदराबाद का डिफेंस बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा था अटैकिंग लाइन को, एटीके मोहन बगान का, जो कि शायद जब लोग वाटर ब्रेक में गया उनका कोच तो शायद डिस्कशन किया होगा कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्पेस दे रहे हो, इसके लिए वो लोग का जो अटैकिंग लाइन जो कि काफी स्ट्रांग है उनको बहुत ही ज्यादा स्पेस मिल रहा है बॉल आगे लेके जाने के लिए या बीट करने के लिए। तो उसके बाद से मुझे काफी अच्छा लगा, निमदौरजी भी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस किया है, वनान और जो जो खेला है डिफेंस में आकाश मिश्रा, हाँ तुम बोल सकते हो फर्स्ट गोल जो पड़ा था उसमें आकाश मिश्रा का मैन मार्किंग थोड़ा वीक था, लेकिन ओवरऑल उसके बाद से उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा, बहुत अच्छा था। मतलब बाद में रॉय कृष्णा के पास बॉल ही नहीं पहुंचने दे रहा था वो बंदा, एंड मतलब बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या यहाँ पर गलत हुआ एटीके मोहन बगान के लिए, कि मतलब इतना अच्छा स्टार्ट करके फिर उसके बाद कंप्लीटली मोमेंटम मतलब हैदराबाद को दे देना? केवल डिफेंस से तो गलती नहीं हुई है, मिडफील्ड भी मैं कहूंगा यहाँ पर जो एटीके मोहन बगान की मिडफील्ड थी वो उतनी सॉलिड नहीं थी जितनी हैदराबाद की मिडफील्ड थी, कि सौविक जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जाओ विक्टर हैं, और फिर आपके साथ क्या कहते हैं ओगबेचे फॉल बैक कर रहे थे तो वो डिफेंस में मिडफील्ड में थोड़ी प्रोवाइड कर रहे थे, तो मिडफील्ड की प्रॉब्लम हुई साथ में। देखो ऋषभ, फर्स्ट 30 मिनट्स तुम अगर देखोगे तो काफी मिडफील्ड में डोमिनेशन एटीके मोहन बगान का था, जो कि जब वो बॉल बहुत ही अच्छा पोजीशनिंग में रख रहे थे और बहुत ही अच्छे से अटैक में जा रहे थे बोथ विंग से, लेकिन उसके बाद से सौविक चक्रवर्ती में
उसको प्रेस करना चाहूंगा क्योंकि फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस से उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि एक वेल डिजर्व प्लेयर है फॉर इंडियन नेशनल टीम जो कि काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो उसके बाद से आफ्टर 30 मिनट्स वो लोग ने पूरा कंट्रोल ले लिया मिडफील्ड का और मैं इसको हैदराबाद का ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा हैदराबाद कोच का कि उन्होंने एक जब 30 मिनट्स उनका खराब जा रहे हैं उसके बाद भी वो लोग का टीम जैसे बाउंस बैक किया है और उसके बाद जो परफॉर्म किया है तो हैट्स ऑफ टू हैदराबाद कोच। मेंटली बहुत ज्यादा यहाँ पर हैदराबाद में दिखाया। क्या आपको लगता है मैकू को स्टार्ट करना चाहिए था क्योंकि आज विलियम्स और रॉय कृष्णा आपने दोनों को स्टार्ट कर दिया, मे बी मानवीर को स्ट्राइक स्टार्ट कर सकते थे और विलियम्स को हटा के या फिर रॉय कृष्णा को एक को हटा के आप मैकू को डालते क्योंकि मैकू हमने देखा है रेगुलर रहा है एटीके मोहन बगान में और वो आपको थोड़ी सॉलिडिटी भी प्रोवाइड कराता है आपके डिफेंस को कि एक और ऑप्शन है आपके पास डिफेंस में और मिडफील्ड में भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रहता, तो मैकू की आज यहाँ पर कमी दिखी। हाँ जरूर, कल मैकू मेरा मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट है जो कि एटीके मोहन बगान के लिए खेलते हैं और वो काफी सॉलिडिटी देते हैं इन फ्रंट ऑफ डिफेंस और डिफेंस के ऊपर जो बॉल आता है वो विन करते हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहता है हर मैच में, वो एक मैच विनिंग प्लेयर है मेरे हिसाब से। तो आज मुझे ऐसा लगा कि एटीके मोहन बगान का कोच पहले से ऐसा सोचे कि हैदराबाद का डिफेंस को पहले से हमको बहुत प्रेशराइज करना है, इसके लिए उन्होंने विलियम्स और रॉय कृष्णा दोनों को मिलकर स्टार्ट किया होगा। लेकिन मैं तुमसे काफी सहमत हूँ कि अगर कल मैक्यू को नीचे से लेके मंबीर को विंग से डालते और बाद में कृष्णा को चेंज करके विलियम्स को डालते तो काफी बेटर रहे। वही दादा, मतलब वो बैलेंस जो होता है ना वो आज बैलेंस नहीं था, मतलब एटीके मोहन बगान का लाइनअप मैं कहूंगा। और आपको हैदराबाद का आपको क्या लगता है कि मतलब अब क्या चांसेस हैदराबाद के फाइनल में पहुंचे क्योंकि यहाँ पर 2 गोल के डिफरेंस से जीत गई है तो बहुत मुश्किल होने वाला है एटीके मोहन बगान के लिए। बहुत मुश्किल होने वाला है ऋषभ, लेकिन तुमको ये भी याद कराना चाहता हूँ मैं कि एटीके मोहन बगान जो कि वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल टीम्स है इन आईएसएल, तो उनसे इतना आसानी से मैच ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि सेकेंड लीग का मैच काफी जबरदस्त रहेगा और ये जो 2 गोल का मार्जिन है मुझे लगता है एटीके मोहन बगान पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैच में वापसी करने का और वो लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मैच। और अगर हम दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, एटीके मोहन बगान का ऐसा लग रहा था कि अटैक है और फिर डिफेंस है, मिडफील्ड उतना नहीं दिख रहा था, मगर अगर हम हैदराबाद की बात करें पूरी टीम साथ में आकर ये जीत उन्होंने हासिल की है कि मतलब 3 डिफरेंट गोल स्कोरर, हाँ, और क्या कहते हैं ओगबेचे एंड सेवेरियो जो कि आपके फॉरेनर मोस्टली अप फ्रंट रहते हैं, पीछे आके डिफेंड नहीं करते फॉरेनर्स, हमने देखा है, मगर वो भी बॉक्स में आके डिफेंड कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? यही मैं बोलना चाहता था तुमको कि तुम ये आईएसएल में अगर टीम देखोगे तो केरला ब्लास्टर्स और हैदराबाद ये दो ऐसी टीम है जो कि एज ए टीम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं, एज ए टीम वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग का जो बॉन्डिंग है, वो लोग का जो जैसा परफॉर्मेंस दिख रहा है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि वो लोग का टीम का कितना अच्छा बॉन्डिंग है। शायद तुमको पता होगा कि अगर जो 11 खेल रहा है उसके बाहर जो है वो लोग भी बहुत रेडी है, जो भी आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ऐसे ही एक टीम बनता है, ऐसा ही एक टीम ऊपर जाता है, ऐसे ही टीम चैंपियनशिप जीतता है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि हैदराबाद का चांसेस इस बार बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपके साथ मैं कल के मैच की भी बात करना चाहूंगा कि केरला ब्लास्टर्स ने जमशेदपुर को 1-0 से हराया, आपको क्या लगता है केरला ब्लास्टर्स पहुंच पाएगा फाइनल में क्योंकि टिकट्स खोल दिए हैं फाइनल के लिए? केरला ब्लास्टर्स भी एक ऐसा टीम है जो कि थ्रू आउट द सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी कभी कोई टीम का होता है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम अगर देखोगे कि केरला ब्लास्टर्स का कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है इस सीजन, बट मुझे ऐसा लगता है कि जमशेदपुर भी कोई भी दिन में कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, तो इसके हिसाब से उनका जो दूसरा सेकेंड लीग का मैच है काफी दिलचस्प रहेगा और हम लोग को अगर एक बहुत ही एंजॉयबल मैच देखने को मिलेगा। और अगर हम इस मैच की बात करें एटीके मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद की सेकेंड लेग की, अब हैदराबाद आपको नहीं लगता कि ज्यादा डिफेंसिव खेलेगा क्योंकि 2 गोल की लीड है अब उनके पास,
तो डिफेंस खेल के काउंटर अटैकिंग पे चांसेस बना के, क्योंकि ओगबेचे सेवेरियो आपके पास पेस तो है ही उनके पास, तो काउंटर अटैकिंग पर चांसेस बना के। और इस सीजन एटीके मोहन बगान ऐसी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करा है जो पीछे स्पेस ना दे आपको लिस्टन मानवीर को कॉम्पैक्ट रख के। जैसे चेन्नई को अभी हमने देखा था 1-0 से जीते थे, चेन्नई ने उस दिन बहुत अच्छा डिफेंस किया था। उड़ीसा से 1-1 ड्रॉ कर गए थे जबकि उड़ीसा ने उस दिन बहुत अच्छा डिफेंस किया था। तो अगर वैसी कॉम्पैक्ट लाइनअप रखती है यहाँ पर हैदराबाद, क्योंकि मुझे तो यही लगता है क्योंकि 2 गोल की लीड यहाँ पर है, तो वो उतने गोल मारने के हिसाब से तो नहीं उतरेंगे सेकेंड लेग में, वो कोशिश करेंगे कि अगर गलती हुई हम उसी में गोल स्कोर करेंगे। तो कितना मुश्किल होगा अब एटीके मोहन बगान के लिए मैच में वापस आना और फाइनल में अपनी जगह बनाना, क्योंकि डिफेंस ब्रेक करना मतलब इस सीजन बहुत डिफिकल्ट रहा है एटीके मोहन बगान के लिए। अगर हम देखें जमशेदपुर के अगेंस्ट उन्होंने मैच नहीं जीते हैं क्योंकि जमशेदपुर बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंस खेलता है, हैदराबाद के अगेंस्ट जीते हैं क्योंकि हैदराबाद बहुत चढ़ के खेलता है, मगर नेक्स्ट गेम में मुझे उम्मीद है शायद बहुत डिफेंसिव रहेगी हैदराबाद। देखो ऋषभ, इधर मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद नेक्स्ट मैच में एज ए डिफेंसिव माइंड लेके उतरेगा तो उनको काफी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि तुमको पता है कि एटीके मोहन बगान के पास वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है कि वो लोग 2 गोल का मार्जिन ब्रेक कर सकते हैं, इजीली भी ब्रेक कर सकता है। अगर हैदराबाद अपना जो नॉर्मल फुटबॉल है उससे पीछे जाके एज ए डिफेंसिव लाइनअप स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा वो 90 मिनट पार करने में। और अगर 1 गोल एटीके मोहन बगान को मिल जाता है तो वो तो उनका परेशानी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और तो मुझे क्यों लगता को है बोलो हैदराबाद को नॉर्मली अपना जो नॉर्मल गेम जो स्टाइल है है वही कंटिन्यू करना चाहिए और शुरू से ही एटीके को प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो भी पूरा चढ़ के हैदराबाद के ऊपर ना आ पाए। और ह्यूगो बूमो की मैं बात करना चाहता था, क्या आपको लगता है ह्यूगो बूमो को सेकंड हाफ में ला देना चाहिए था विलियम्स की जगह, जो कि बाद में चेंज हुआ कि जब आप सेकंड गोल कंसीड कर गए, तिरी को इंजरी हो गई, फिर आपने तिरी की जगह बूमो को लाए, और आप इतने बड़े प्लेयर को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो इस मैच में जब प्रेशर आप पे और बढ़ गया है, एंड जैसे ह्यूगो बूमो है तीसरा गोल भी आ गया, तो मे बी सेकेंड हाफ में हाल के हाल डाल देते तो शायद यहाँ पर एटीके मोहन बगान इस मैच में वापस आता और शायद जीत भी सकता था, क्योंकि 1-1 स्कोर लाइन पे आते तब। और ह्यूगो बूमो की परफॉर्मेंस जो हम लोग ने लास्ट के कुछ मिनट में देखी, चांस भी बनाए उन्होंने बॉक्स के अंदर, तो वो चांसेस पहले आ सकते थे यहाँ पर एटीके मोहन बगान के लिए। ऋषभ, के लेके कुछ बात हम लोग को और दिखाना या बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम सबको पता है कि वो क्या क्वालिटी लाते हैं इस लीग में। उनका ऐसी सबको हम लोग को पता है, तो शायद कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से उनको, क्योंकि उनका डिफेंसिव वर्क रेट थोड़ा कम है तो इसके हिसाब से हैदराबाद बहुत ही फिट टीम है, इसके हिसाब से शायद उनको सेकेंड हाफ के भी काफी बाद में उतारा गया। लेकिन मुझे भी लगता है कि ऐसा क्वालिटी प्लेयर आपका अगर अप फ्रंट में होगा तो जरूर चांसेस क्रिएट होगा, होना चाहिए और होगा भी। और जब आपके पास रॉय कृष्णा और विलियम्स जैसा स्ट्राइकर है उनको जो बॉल सप्लाई मिलना चाहिए और हुगो वुमोस आई थिंक उसके लिए परफेक्ट है। और अगर हम यहाँ पर अब देखें, आपको अब क्या लगता है फाइनल के मतलब हैदराबाद आगे जाएगा फाइनल में या फिर एटीके मोहन बगान? चांसेस हैदराबाद का आई थिंक 70% है आगे जाने का। अगर देखो फुटबॉल में बोला नहीं जा सकता है, हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जब पहले सीजन में ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर्स के होम में खेलने गए थे हम उधर 3 गोल कंसीड करके आए थे, और हम जब चेन्नई में खेले हम लोग ने 3 गोल डाल भी दिया था, बाद में एकदम लास्ट मिनट में एक्स्ट्रा टाइम का गोल खा के हम लोग आउट हुए थे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2 गोल का मार्जिन कुछ भी मायने नहीं रखता, आईसीएल का सेमीफाइनल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके दादा, और आपको लिस्टन की परफॉर्मेंस क्या लगी, कैसी लगी आज? मतलब लिस्टन बहुत ही इम्प्रेस करा है इस सीजन मेरे हिसाब से आपसे तो। हाँ लिस्टन काफी इम्प्रेस किया है इस सीजन, ओवरऑल सीजन। लेकिन जब भी कोई प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो एक्सपेक्टेशन सेमीफाइनल में और बढ़ जाता है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था लिस्टन से शायद, क्योंकि जैसा क्वालिटी जैसा गोल्स उन्होंने दिखाया है तो आज का मैच में वो अगर 1 गोल डालते तो एटीके मोहन बगान के लिए भी काफी अच्छा रहता। अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें दादा, तो आपको क्या लगता है कि एटीके मोहन बगान को काउको को खिलाना चाहिए या बूमो को खिलाना चाहिए उस पोजीशन पे? मुझे लगता है जब आप 2 गोल से डाउन हो आपको वो अटैकिंग में वो वाला क्वालिटी अगर लाना है तो वो मोस्ट परफेक्ट ये पोजीशन के लिए रहेंगे काउकोस।
और विलियम्स और रॉय कृष्णा को आप साथ में खिलाओगे या फिर आप मानवीर को खिलाओगे एंड मैकू को आप यहाँ पर डालोगे? अब मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे और डिफेंसिव नहीं जाना है, इसके हिसाब से मैं विलियम्स और कृष्णा से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी डिफेंसिव जाके और कुछ फायदा नहीं है, हमको ऊपर गोल डालना है और अपोनेंट टीम में प्रेशराइज करना है डिफेंस में। हाँ, स्टेबिलिटी तो लाना है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दो गोल हमको पहले रिटर्न करना है, उसके बाद आगे जाना है, तो इसके हिसाब से मैं रॉय कृष्णा और विलियम्स से स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच दादा आज आने के लिए यहाँ थैंक यू, पर। थैंक यू ऋषभ। दिन उतना अच्छा नहीं रहा ऑब्वियसली, एटीके मोहन बगान हार गए, हाँ, बट हैदराबाद ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छे वेल यहाँ पर डिजर्व टीम टीम है, रही है। वेल हाँ डिजर्व टीम है इस सीजन। हाँ हाँ और मतलब मेरे पूरा टाइम उनने, वो हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिनने सबसे ज्यादा टॉप पर रहे हैं, और वो ISL लीग शील्ड भी जीत लेते, बट वो जमशेदपुर वाला वो मैच खराब हो गया, कोविड आउटब्रेक हो गया। बट क्या आपको लगता है ये हैदराबाद ISL जीत सकता है? हाँ मुझे, मैं अगर इस सीजन का परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूंगा तो मुझे काफी अच्छा, हैदराबाद ने काफी इम्प्रेस किया है। उनका कोच ने लास्ट सीजन से ही इतना अच्छा है, मुझे लगा है उनका गेम स्टाइल। और आप एक बात अगर आप सोचोगे तो देखना, कभी भी हैदराबाद एक गोल से पीछे है तो हमेशा दो गोल डालने का ट्राई करते हैं। लास्ट मिनट तक आप बोल नहीं सकते हो हैदराबाद का गेम का क्या होगा, वो लोग हमेशा पीछे से भी वापिस आए हैं। एक टीम ऐसे ही बनता है, एक चैंपियन टीम ऐसे ही बनता है, तो वही वाला नजर आ रहा है उनके उनका परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद ये लीग इस बार चैंपियन होगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। थैंक ओके, सो थैंक यू सो मच दादा यहाँ पर आने के लिए। यू, हम थैंक यू ऋषभ। आपसे फिर से आपके साथ आएंगे, प्रीव्यू और प्रेडिक्शन करेंगे नेक्स्ट गेम का, क्योंकि अभी सेकंड लेग भी बचा है, और अभी भी आपने जैसे कहा कि जान बची हुई है इस मैच में, दो गोल से जरूर हार जरूर गए तो क्या हुआ, बट जरूर। अभी भी एटीके मोहन बगान कमबैक मार सकता है। तो देखो क्या एक्चुअली बोलना ऋषभ, चाहेंगे आप? हाँ हाँ एक्चुअली हाँ मैं बोलिए बोलिए। बोलना चाहता हूँ कि एटीके मोहन बगान का जो स्क्वाड का क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस वो लोग लाते हैं इस लीग में, उसके हिसाब से दो गोल कोई मायने नहीं रखता है। वो लोग कभी भी दो गोल डाल सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो इसके मुझे लगता है कि सेमीफाइनल काफी, दूसरा लीग काफी जबरदस्त होने वाला है और उसके लिए हम लोग को जरूर वेट करना चाहिए। और एटीके मोहन बगान के फैंस के लिए क्या बोलेंगे आप, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा बहुत उदास थे, और उन उनको तो लगता है भाई फाइनल में नहीं पहुंच रही है एटीके मोहन बगान नहीं, ऐसा तो। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो क्वालिटी वो लोग का स्क्वाड में है, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में कुछ भी हो सकता है सेकेंड लीग में, और वो लोग आगे भी जा सकते हैं। अगर रॉय कृष्णा और विलियम्स फॉर्म में आ गए तो आपको और सोचने का जरूरत ही नहीं फिर होगा, तो और अगर हाँ वही, वो घुमो से वो क्वालिटी वाला बॉल मिल गया तो जरूर जरूर आगे जा सकते हैं मोहन बगान। ओके, सो थैंक यू दादा, यहाँ पर अब हम एंड करेंगे। सो गाइस, अभिषेक दादा आज ज्वाइन कर रहे थे यहाँ पर, फॉर्मर चेन्नई प्लेयर, ISL जीत चुके हैं चेन्नई के साथ, और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के साथ भी खेले हैं। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच दादा आने के लिए, थैंक यू, थैंक और यू, हम लोग फिर से आपको देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक जरूर जरूर भाई, थैंक यू, गुड नाइट। यू दादा, गुड नाइट दादा।